अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम टेली प्राइम का परिचय देंगे, इसे सिखाने के उद्देश्य, शिक्षण के आधार इत्यादि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं टेली प्राइम का परिचय। किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए, उससे लाभ कमाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। पहले ये काम पूरी तरह से मैनुअल होता था, यानी हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे। वर्तमान में अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है, साथ ही व्यवसाय से संबंधित अधिकतम गतिविधियां भी कंप्यूटर की सहायता से ही संचालित की जा रही हैं। पहले हम जो मैनुअल अकाउंटिंग कई घंटों या कई दिनों तक करते थे, अब वो कंप्यूटर की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिनटों में हो जाती है। भारत में GST लागू होने के बाद तो इस फील्ड में अपार संभावनाएं पैदा हो गई हैं। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेना होती है और टैली उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है। भारत और बाहर के कई देशों में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली कंपनी ने अकाउंटिंग को सरल बनाने के उद्देश्य से समय समय पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन निकाले हैं। अभी टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है। टैली प्राइम को काम करने की दृष्टि से बहुत ही सरल बनाया गया है और इसमें काम की गति को भी काफी तेजी प्रदान की गई है। इस वीडियो सीरीज में हम आपको टैली प्राइम पर काम करना सिखाएंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम सिखाने के उद्देश्य की। टैली सिखाने का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, उनको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाई जाए। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको तो कॉमर्स की बेसिक जानकारी होती है, उनके लिए कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना आसान भी होता है। पर हमारा उद्देश्य ये है कि जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति या विद्यार्थी हैं, वे भी इन वीडियोस को देख करके टैली पर आसानी से कंप्यूटर अकाउंटिंग करना सीख सकें। हमारा दूसरा उद्देश्य है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो भी अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से टैली उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तो जो लोग शुरू से मैनुअल अकाउंटिंग करते आए हैं, उनको कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना थोड़ा सा कठिन लगता है। हालांकि उनको अकाउंटिंग कैसे करना है ये तो आता है, पर कंप्यूटर अकाउंटिंग कैसे किया जाए या टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अकाउंटिंग कैसे किया जाए, ये नहीं आता है। उनको भी इससे सहायता मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही अगर आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसकी अकाउंटिंग आप स्वयं कर सकें, उसमें भी ये वीडियोस आपकी मदद करेंगी। अब हम आपको बताते हैं बेसिस ऑफ टीचिंग टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम सिखाने के आधार के बारे में। यहाँ हमारा टैली सिखाने का आधार है सिंपलिसिटी, यानी सरलता। हमने कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से ना सिखाते हुए जो सरल चीजें हैं वे पहले सिखाई जाएं। जैसे कि स्कूल में जब कोई छोटा बच्चा जाता है और उसको ABCD लिखना सिखाया जाता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि शुरू में A से लेकर Z तक ना सिखाते हुए जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो पहले सिखाए जाते हैं, और रिलेटिवली जो थोड़े कठिन हैं वो बाद में सिखाए जाते हैं। उसी तरह हमने भी टैली सिखाने का आधार सरलता को रखा है। जो चीजें सरल हैं वे पहले सिखाई जाए और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाए। इसलिए हमने शॉर्टकट, जिसमें कठिनाइयां या कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, उसके स्थान पर थोड़ा लॉन्ग रूट लिया है। हमने कोशिश की है कि भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो पर आसान हो और आपको टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना सरल लगे, मुश्किल ना लगे। हम आपको फियर फ्री, यानी भय रहित बनाना चाहते हैं। टैली पर काम करने में आपको डर ना लगे,
घबराहट ना हो या ऐसा ना लगे कि टैली सीखना बहुत मुश्किल काम है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियोस को इस तरह से बनाने का प्रयत्न किया है कि ये सिंपल हो, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो, जिसमें कि अच्छे से सभी बातें समझाई गई हों। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टैली सिखाने का हमारा आधार सरलता यानी सिंप्लिसिटी है, और इसी आधार पर हमने टैली प्राइम सिखाने के काम को अलग अलग स्तर यानी लेवल्स में बांट दिया है। पहला है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल के कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसके आधार पर काम कैसे किया जाता है, और इसके बाद हम टैली पर काम प्रारंभ करेंगे, जिसमें टैली से संबंधित सरल पर आवश्यक जानकारियां होंगी। यहाँ पर हम टैली में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बेसिक लेवल पर आप जो सीखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि टैली सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं, ये बड़ा ही आसान है। दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पर अकाउंटिंग के वे सारे काम आ जाएंगे जो कि एक अकाउंटेंट के तौर पर आपको रेगुलरली करना होते हैं, यानी जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करना होता है वो सारी बातें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे। तीसरा है एडवांस्ड लेवल। इसमें मैनेजरियल लेवल पर काम आने वाली जानकारियां होंगी। ये उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिनका खुद का बिजनेस है और वे इस लेवल में सिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग सीखकर अपने बिजनेस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग की परिभाषा, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ अन्य परिभाषाएं।